डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग क्लास 9। डियर स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर 2 सूरदास के पद जो सूरदास जी द्वारा रचित था उसकी हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से व्याख्या की थी। आज हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। जैसे आपको पहले प्रसंग बताया गया कि प्रस्तुत पर सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद से लिया गया है। यहाँ सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल सुलभ रूप का अनोखा वर्णन करते कृष्ण द्वारा यशोदा को उराहना देने की बात कही गई है। व्याख्या में मैया कब होगी बढ़ेगी चोटी, मैया माँ मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी, किसी किती बेर मोही दूध पियत है। किती मैंने कितनी बार, बेर मैंने बार, मोही मैंने दूध मैंने दूध पियत मैंने पिया है, दूध पीते हुए मुझे कितना समय हो गया है। यह अजू ही चोटी, अजू होते अभी भी, लेकिन यह अभी भी वैसी की वैसी चोटी है। तू जो कहती बल्कि बेली ज्यों हवे सो लांबी मोटी। माँ तू तो कहती कि मेरी ये चोटी बलराम भैया की चोटी की भांति मोटी और लंबी हो जाएगी। इसे निकालते हुए गुथते हुए नहाते हुए ये नागिन की भांति धरती पर लौटने लगेगी। अपनी माँ से शिकायत करते कहती है कि हे मैया तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पीने के लिए देती हो लेकिन माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती। पद के अंत में भगत सूरदास जी कहते हैं कि बलराम और कृष्ण की ये जोड़ी सदा के लिए बन गई। फर्स्ट सूरदास ने बालकृष्ण द्वारा मैया यशोदा को शिकायत करने का स्वाभाविक वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग है। नेक्स्ट है आजू मैं गाई चरावर जे हो। इसमें भी प्रसंग आप ऐसे ही राइट करेंगे जैसे पहले आपको बताया गया है। व्याख्या में लिखेंगे आजू मैं गाहू गाही चरावर जे हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि बालकृष्ण अपनी माँ यशोदा कहते हैं कि वे आज गाय चराने जाएंगे, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खाएंगे। इस प्रकार वे वृंदावन के अनेक प्रकार के फल भी अपने हाथ से तोड़कर खाएंगे। ऐसी बात कही कहो जनी बारे, ऐसी बात वो जो बार बार अपनी माँ को कहते हैं। तनक तनक पग चलियो कैसे आवत हवे ने अति राती। वो कहते हैं कि छोटे छोटे कदमों से किस प्रकार चलोगे क्योंकि आते हुए तुम्हें रात हो जाएगी। प्रात जात गैया ले चानन चारन घर आवत है सांझ। वो कहते हैं कि सुबह सुबह गायों को चराने ले जाते हैं तो संध्या के समय घर आते हैं। तुम्हारे कमल बदन कुमिलाए, तुम्हारे मैंने तुम्हारा कमल मैंने कमल कोमल मतलब कमल के समान कोमल बदन शरीर कुमलाए मैंने कुमला जाएगा, यानी कि धूप में भटकने से आपका शरीर मुरझा जाएगा। रेंगती घामी मांझ। इस पर बालकृष्ण जी कहते हैं तेरी सो मुई घाम न लागत, तुम्हारी कसम घाम होता है कसम, तुम्हारी कसम मुझे धूप नहीं लगती, भूख नहीं कुछ नेक और कोई विशेष भूख भी नहीं लगती। सूरदास प्रभु कहे, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु न मानत परियो आपकी टेक। प्रभु बालकृष्ण अपनी माता का कहना नहीं मानते और अपनी जिद पर अड़े रहती हैं और उन्हें गायें चराने जाना है। विशेष में फर्स्ट पॉइंट कवि ने बाल हट का सजीव वर्णन किया है, कृष्ण भी अपनी हट पर अड़े हुए हैं। सेकंड पॉइंट ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा और अनुप्रास अलंकार है। डियर स्टूडेंट आपने ये दोनों सरलात ओनली लर्न करनी है। धन्यवाद।